हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा नाम एनके पांडे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो सबसे पहले आपको एक बात बताने की ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आजकल सोशल मीडिया पे एक बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा यूजर्स फंसते हैं, और वो स्कैम क्या है, कैसे आप उससे बच सकते हो, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप इस स्कैम के जरिए आप ना फंसो, इसलिए मैं आपकी सहायता के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो कमेंट में थैंक्स जरूर लिख देना दोस्तों। चलिए वीडियो में आपके आगे बढ़ते हैं और आपको इस स्कैम के बारे में बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूँ सोशल मीडिया पे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे ये ज्यादा सबसे ज्यादा स्कैम चल रहा है। तो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, एक्स यानी ट्विटर जिसका नाम चेंज होकर एक्स हो गया, तो इन सब पे ज्यादा ये स्कैम हो रहा है। तो आप इस स्कैम से कैसे बच सकते हो, ये पूरी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल एक स्कैम चल रहा है दोस्तों सस्ते ऑफर्स का, जिसमें आपको बताया जा रहा है लूट डील्स, एक तरह से बता सकते हो लूट डील्स, जिसमें आपके आईफोन हो गया, एप्पल वॉच हो गया, ये सब आपको एकदम कम रेट में, एकदम बहुत ही 90-95% ऑफ में आपको देने को बताते हैं वो। दरअसल ये दोस्तों एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है ये। तो ये कैसे आप इससे बच सकते हो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये दोस्तों ये एक स्कैमर्स होते हैं, ना इनका खुद का यूज़र आईडी होता है ये। अगर ये इनका यूज़र नेम आप सर्च करोगे ना, ये नेट पर आपको कहीं पर भी एग्जिस्ट ही नहीं करता ये। तो ऐसा है, ये ऐड के थ्रू इसको प्रमोट करते हैं दोस्तों। और अगर आप सबसे पहले आप इसे जान लीजिए आप कैसे इससे बच सकते हो। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे स्कैम से। दरअसल अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें हम इससे बच कैसे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप इससे कैसे बच सकते हो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर स्कैम से आप बच कैसे सकते हो। तो आप इनके यूज़र नेम, जो इनका यूज़र नेम होता है ना दोस्तों, इसको पहले हर जगह आप रिसर्च करो कि ये यूज़र नेम और ये जो आईडी है इनकी, ये ओरिजिनल है या नहीं है। ये अगर ये मैं गारंटी देता हूँ मैक्सिमम लोगों की ये आईडी जो होती है वो फेक होती है, ठीक है दोस्तों। मैक्सिमम लोगों की ये आईडी, 90-95% लोगों की ये आईडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा फेक होती है दोस्तों। आप इसे ये गारंटी लिखवा के ले लो मेरी, ये फेक होती है। ओरिजिनल बहुत ही रेयर चांस में 5% लोगों की ही ये मतलब रियल होती है। तो मतलब 5% लोग ऐसे हैं जो पूरे मार्केट में 100% में से 5% लोग ऐसे हैं जो ये रियल में दे रहे हैं इतने सस्ते में, लेकिन बाकी जो है वो फेक हैं। तो आप इसे कैसे बच सकते हो, सबसे पहले आप रिसर्च करो। रिसर्च कर लोगे हर जगह इसका, उनसे मांगो। अगर आप उनसे कुछ ऑर्डर कर रहे हो तो उनसे ऑर्डर करते समय उनका ओरिजिनल मोबाइल नंबर मांगो, उनका कंपनी का डिटेल्स मांगो, कंपनी डिटेल मांगो, और साथ में उनका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगो, जो कि जीएसटी वगैरह तो उनके पास होगा ही। जब इतने सेल हो रहे हैं, इतने सारे अगर लोग यूज़र्स खरीद रहे हैं तो उनकी सेल्स तो कम नहीं है भाई, और कम नहीं है तो उनकी रजिस्ट्रेशन जरूर है उनके पास, कंपनी रजिस्टर तो हुई होगी। अगर जीएसटी नहीं भी है तो या तो उद्यम से या फिर किसी भी तरीके से उनकी मतलब कंपनी रजिस्टर तो हुई होगी। आप पहले इसको भी देखो। और हाँ, मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर आप इससे कोई भी ऑर्डर करते हो, कोई भी ऑर्डर करते हो, तो या तो वो ऑर्डर ख़राब आएगा, डैमेज प्रोडक्ट, या फिर ऑर्डर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आप इसे देखना, ध्यान से देखना आप लोग, ऑर्डर नहीं आएगा। और इन लोगों का स्कैम कैसे चलता है दोस्तों, सबसे पहले ये बोलेंगे पेमेंट मेथड ऑनलाइन है तब ऑर्डर जाएगा। पेमेंट मेथड ऑनलाइन है, जब आप पेमेंट कर दोगे तब ये ऑर्डर आपको शिप होगा। ऑर्डर कंफर्म कब होगा, जब आप ये ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे। तो ऐसे स्कैम होता है दोस्तों आपके साथ, इतने सस्ते में। आप खुद सोचिए, 30,000 की आपके पास एप्पल वॉच है, वो आपको 1,000-1,500 में कौन देगा, ये बताओ। कोई नहीं देगा आज के टाइम पे, तो कोई नहीं देगा। और ये स्कैमर्स आपको देंगे, इसमें से फेक होते हैं, 95% फेक होते हैं। और आपने कैसे बचना है इससे, सबसे पहले इनके मोबाइल नंबर निकालो, कंपनी की रजिस्ट्रेशन निकालो, कंपनी कैसी है क्या है, गूगल पे सर्च करो आप, रजिस्ट्रेशन नंबर इनसे मांगो कि अपना सर्टिफिकेट या लाइसेंस दिखाओ मुझे कंपनी का, इनके पास इतने प्रोडक्ट्स हैं, मैक्सिमम ऑर्डर्स के रिव्यू दिखाओ, बिल दिखाओ। आप इनसे बिल मांग सकते हो कि बिल दिखाओ कस्टमर्स के, कस्टमर के मोबाइल नंबर भले ही हाइड करवा लो, लेकिन हाँ बिल मंगाओ। बिल मंगाने के बाद आप क्या करो, अगर ये फेक हैं आप इनके खिलाफ कंप्लेंट कैसे कर सकते हो। तो आपके पास थोड़े बहुत ऑप्शंस हैं, लिमिटेड ये ऑप्शंस हैं। या तो आप सबसे पहले इनकी जो इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम क्या सोशल मीडिया में जितनी भी हैंडल्स हैं ना इनके, आप किसके थ्रू पहुंच रहे हो तो आपको पता लगेगा। फेसबुक होता है,
फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, और यहाँ पे स्नैपचैट हो गया। ये मैक्सिमम ऐसे ही स्कैम होता है। आप इनके कस्टमर पोर्टल पे बात करो और कंप्लेंट करो, कंप्लेंट करो। इन पे भी सेम चीज़, इन पे भी सेम चीज़, पे भी सेम चीज़। इनके अकाउंट जो है पहले आप डिलीट करवाओ। डिलीट करवाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन और है, साइबर पोर्टल। साइबर पोर्टल पे जाओ, यहाँ पर कंप्लेंट करो, स्क्रीनशॉट वगैरह लगाओ, स्क्रीनशॉट लगाओ और बताओ ये लोग फेक आपके साथ कैसे कर रहे हैं। तो दोस्तों यही था आपको मैं वीडियो में अवेयर करना चाहता था, कैसे आप मतलब इन लोगों से बच सकते हो क्या है। तो आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो बहुत ज़्यादा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आपके लिए इतने सारे मेहनत करते हैं हम लोग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों तक पहुँचे ये वीडियो, इसके लिए आप इसको शेयर ज़रूर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स, ताकि उनके साथ ये स्कैम ना हो, वो लोग बच जाए। तो आप लोगों को मैंने बता दिया, आप मेरे सब्सक्राइबर हो इसलिए मैं आपको इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नए टाइप की एजुकेशन लाऊंगा, उसके लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।